हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मायाज हिंदी। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको SBL होम्योपैथिक ब्रांड के फेरम शिप सिरप के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये सिरप आपके बॉडी को, आपके शरीर को किस तरीके से फायदा देती है। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, डोज, इन सब के बारे में। तो गाइस यदि आप अपने बॉडी में आयरन की कमी से परेशान हैं, एनीमिया की शिकायत को दूर करना चाहते हैं, ब्लड की मात्रा को इंक्रीज करना चाहते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं SBL होम्योपैथिक ब्रांड के फेरम शिप सिरप के बारे में, जो कि गाइस मार्केट पर आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती है। ये गाइस एक बहुत ही अच्छा आयरन टॉनिक है, जो कि एनीमिया की शिकायत को दूर करने में मदद करेगा, ब्लड की मात्रा को इंक्रीज करेगा, आयरन की कमी की पूर्ति करने में मदद करेगा। इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए। इसके अंदर है आयरन, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अत्यधिक आवश्यक होता है, एनीमिया के उपचार में मदद करेगा। डोज की बात करें तो डेली गाइस अपन को एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम को, दिन में दो बार ये सिरप लेनी है। कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि किस तरीके से सेवन करना है, किस तरीके से नहीं करना, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट के बिना आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना ही आप इसे ओवर डोजेज लें। गाइस यदि आप पहले से किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं या फिर आप पहले से अन्य प्रकार की दवाई या टेबलेट को इस्तेमाल में ले रहे हैं, तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट की बिना इसका इस्तेमाल नहीं करना, ना ही आपको ओवर डोजेस लेना है। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस कोई फिक्स नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। 180 ml की पैकेजिंग गाइस आपको 112 रुपए में मिलेगी, जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं। जैसा भी दोस्तों आपको सही लगे आप इसे वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसे वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। याद रखें गाइस, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट देके बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने एक एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियसली बात है गाइस उसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ, जो भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी ही करनी है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, जो कि आपके शरीर की जो आयरन की मात्रा है उसे इंक्रीज करता है, एनीमिया की शिकायत से को दूर करने में मदद करेगा। होम्योपैथिक मेडिसिन है गाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आयरन टॉनिक है, जो कि आपके आयरन की कमी की पूर्ति करने में मदद करेगा, आयरन की पूर्ति करने का काम करता है। बॉडी के अंदर आयरन की कमी होने पर गाइस शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, एनीमिया की शिकायत हो जाएगी, जिससे कि आपको बहुत सारी परेशानियां, दिक्कत या रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ध्यान रखें कि बॉडी में आयरन की पूर्ति होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। विटामिन या मिनरल, किसी भी विटामिन या मिनरल की कमी होने पर गाइस शरीर में बहुत सारी समस्याएं या दिक्कतें आने लगती हैं। इसीलिए गाइस आपको बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल की पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार की सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। तो गाइज आयरन की कमी की पूर्ति करने के लिए ये सिरप बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, तो एक बार आप इसे इस्तेमाल में लेके जरूर देखें। अगर आप प्रेगनेंसी की अवस्था में है तो इसे इस्तेमाल में लेने से पहले गाइज आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना होगा। डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इसका इस्तेमाल नहीं करना, ना ही आपको ओवर डोजेस लेना है। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस यदि आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अन्य प्रकार की जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।